भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का सुपर फोर मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त मिली 5 विकेट से, जिसके बाद मैच में एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिला जो काफ़ी लोगों को आशा भी नहीं था। वहीं पिछले मैच के हीरो हार्दिक पांड्या आज अपना बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता लौट चले। हार्दिक को मोहम्मद हसनैन ने मोहम्मद नजवा के हाथों को कैच कराया। हार्दिक 2 गेंदे खेलने के बाद भी बिना स्कोर किए पवेलियन लौट गए। उनसे पहले ऋषभ पंत भी खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। पंत ने 12 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत 14 रन बनाए। उन्होंने सदाब खान ने आसिफ अली के हाथों से कैच कराया। रोहित और हार्दिक के खराब शॉट खेलकर आउट होने पर कप्तान रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में काफी नाराज दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में पंत और हार्दिक पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय तो रोहित और पंत के बीच गुस्से से बातचीत करते हुए देखा जा रहा है। कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के के बदौलत 28 रन बनाए थे।